हेलो पब्लिक, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इशू ऑफ शेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब ये बेस्ड है 5 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पर, मार्च 2021 का, मार्च 2022, जुलाई 22, मार्च 23 और जुलाई 23। तो ये 5 बोर्ड एग्जाम में जो इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस आए वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगेन द पॉइंट रिमेन सेम कि क्या ये 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट है? ऑब्वियसली नहीं है। साल भर पढ़ाई करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सॉल्व। ऑलमोस्ट हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व करे इशू ऑफ शेयर्स में, तो सिर्फ इतने से क्वेश्चंस तो सफिशिएंट नहीं होते। पर ये 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली एक रिवीजन के तौर पर आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाली चीजें हो रही है, प्रीमियम हो रहा है, कॉल्स इन अरियर्स, फोर फीचर हो रहा है, तो इसी बहुत सारा वैरायटी कवर हो रहा है। तो आप ये 5 क्वेश्चंस एज अ रिवीजन गो थ्रू करके जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो सर एग्जाम टाइम के लिए हम क्या करें, तो फिर ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेना, तो हो सकता है मोस्टली ये बहुत हेल्प करेगा और आने वाले बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डन गाइज, तो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये 5ों एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ बताता हूँ, एक एक करके क्वेश्चंस अपन गो थ्रू करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा जिससे एक जिस्ट मिलेगा और आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो कंपेयर भी करेंगे हम कि 5 एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। डन गाइज, तो शुरू करते हैं। चलिए फिर लेट्स गो। तो देखिए, ये है 5 क्वेश्चंस मार्च 2021 का, मार्च 22, जुलाई 22, फिर मार्च 23 और जुलाई 23। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो मार्च 2021 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स का, देखते हैं इसमें क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज बोली है। अगर अपन पूरे 5 क्वेश्चंस देखें ना, तो सब में जर्नल जर्नल जर्नल, एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नल 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 ही करना है, बैलेंस शीट करना नहीं है। तो कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, हाँ नसीब बैलेंस शीट नहीं आ रहा, तो सर ये साल भी नहीं आएगा क्या? तो मोस्टली नहीं आना चाहिए, बट स्टिल कांट से, तो आप एक बार कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस फर्क नहीं पड़ता, बट अगर टाइम कम है तो इतना ही करिए, कोई ऑप्शन नहीं। देखते हैं एक एक करके गाइस मार्च 2021 का क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या बोला था, शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो ये प्रीमियम अलॉटमेंट वाले के अंदर आया हुआ है, तो प्रीमियम वाला एंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशंस मिले 12,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट है। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब क्या, एक्सेस पैसे को एडजस्टमेंट, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट के अंदर, दैट्स ओके। एक शेयर होल्डर थी दीपाली, जिसने 20 शेयर्स पे पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला, तो उसका शेयर हमने फोरफिट कर दिया, तो फोर फीचर का एंट्री आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मत करना। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तभी होता है जब हम शेयर्स रीइशू करते हैं, तो यहाँ पे रीइशू नहीं है, सिर्फ फोरफीचर है, तो फोरफीचर का एंट्री करके खत्म कर देना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये था मार्च 2021 का क्वेश्चन। मार्च 2022 का क्वेश्चन भी लगभग मार्च 21 जैसा ही है, एग्जैक्ट सिमिलर है, सिर्फ नंबर थोड़े से चेंज करा है, पैटर्न सेम है। जर्नल एंट्री पास करना है, देख सकते हो शेयर्स इशू किए 2,02,000 प्रीमियम है अलॉटमेंट के अंदर, बाकी सब थिंग्स रिमेन सेम। एक्सेस एप्लीकेशन मिला है 2,40,000 पे, एप्लीकेशन आया हमको, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले, तो ये एक्सेस मनी हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के अंदर। अगेन एक शेयर होल्डर प्रेरणा, जिसने 400 शेयर्स पे पैसा पे करना वो भूल गए, मतलब उसने नहीं पे किया, तो हमने उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। अगेन फोर फीचर का एंट्री आएगा, दैट्स इट। कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस लगभग सिमिलर है। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2022 का क्वेश्चन। शेयर्स इशू किया है 1,00,000 शेयर्स, 10 रुपया, 4 इंस्टॉलमेंट है, 2,4,6,2,8,2,10, सिंपल है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं। 1,20,000 पे एप्लीकेशन मिले, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले हैं, ये एक्सेस मनी को रिफंड करना है, दैट्स इट। एंड कंपनी रिसीव्ड ऑल दी अमाउंट, मतलब यहाँ पे कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं, फोरफीचर नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ही चिंदी क्वेश्चन। देखते आगे, मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, अगेन जर्नल एंट्री पास करना है। क्वेश्चन सेज एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड। सो एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन मतलब क्या करेंगे, जर्नली करेंगे और क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को एंटर कैसे करते हैं, बाय पासिंग जर्नल एंट्री, दैट्स इट। तो इतना ही करना है। तो 25,000 शेयर्स इशू किए 100 रुपए के, 25,25,50,50,100, सिंपल। एप्लीकेशन मिले हैं 30,000, 5,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, बोलता है प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दो। देखो दो तरीके होते हैं एक्सेस मनी को हैंडल करने का। एक्सेस, अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ रहे हैं तो या तो हम रिफंड कर देंगे या तो हम एडजस्ट कर देंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा रिफंड थोड़ा एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। तो एक्सेस मनी अगर आ रहा है तो हम रिफंड भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्या करने का, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा।
क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाई करेगा एक्सेस एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियरली क्या बोला है, प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है, मतलब जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मिले हैं हमको, हम उनका पैसा रिफंड नहीं कर रहे, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में। तो ये है वो, तो इधर से हो जाएगा सेट एकदम मस्त। उसके बाद फिर बोला था ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक सिर्फ 2500 जो शेयर्स थे उस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा, यहाँ पे फोरफीचर नहीं होगा। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है फोरफीचर, तो फोरफीचर का एंट्री मत करना, मार्क्स कट होता है। आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा एंट्री करा है तो उसमें क्या मार्क्स कट होने का, ऐसा नहीं है भाई, जितना बोले उतना ही करिए। तो यहाँ पे फोरफीचर नहीं बोला तो नहीं करना है, ध्यान से कॉल्स इन अरियर्स करके छोड़ देंगे बस, ठीक है। फिर लास्ट है जुलाई 2023, ये तो एकदम ही चिंदी है, इसमें सिर्फ फोरफीचर देखते एक बार। 65,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, आई मीन इशू किया हमने शेयर, 100 रुपया है, 30, 40, 70 और 300। पब्लिक ने अप्लाई किया 50,000 शेयर्स पे, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो जितना था उतना भी नहीं बिका अपना शेयर्स। ऑल द मनी ड्यू वेर कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 5,000 शेयर्स एंड दिस शेयर्स वेर फोरफिटेड, ठीक है भाई। चलो एक शेयर होल्डर होगा जिसने 5,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा तो उसका शेयर्स फोरफिट कर लिया, तो यहाँ पे फोरफीचर का एंट्री आएगा, लास्ट दैट्स इट, अगेन कैपिटलिज्म वाला ट्रांसफर वाला एंट्री नहीं आएगा क्योंकि इशू नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चंस मेरे को लगता है बहुत सिंपल है यार, कुछ खास नहीं, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई करा है तो ये 5 क्वेश्चंस हैंडल करना बहुत ही ईजी है, कुछ खास नहीं है। और अगर आपको नहीं आते तो ये, अगर आपने नहीं उतना अच्छे से पढ़ाई किया तो 5 क्वेश्चंस कर लिए मोर देन सफिशियंट होगा मेरे हिसाब से, गेटिंग गाइज। और यूट्यूब पे मेरा पूरा लेक्चर सीरीज भी इशू ऑफ शेयर्स का, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अगर आपको बेसिक्स कुछ भी नहीं आता तो, गेटिंग क्या गाइज। सो देखिएगा यूट्यूब पे अगर आप जाओगे मेरे तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको इशू ऑफ शेयर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर ये फर्स्ट जो सेशन है ना, फर्स्ट जो लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स का फुल फॉर्म सॉल्विंग बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, ये वाला आप देख लेना, 50 मिनट का, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बट पूरा इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ जाएगा। तो ये हेल्प करेगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, अदरवाइज ये 5 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टार्टिंग विद मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए फिर साथ साथ सॉल्व करते जाइए। इशू ऑफ शेयर्स कितना पेज कॉलम, दो पेज कॉलम, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको तो। चलो स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ निहारिका लिमिटेड चलिए गाइस स्टार्ट, जल्दी देख लेते। निहारिका लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ही चाड़ा, प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोस, ठीक है। ₹2 प्रीमियम पे, मतलब एक शेयर कितने में बेच रहे हम, 12 रुपए में बेच रहे हैं, और वो प्रीमियम किधर है, अलॉटमेंट में प्रीमियम 2 रुपया है ना, मतलब फेस वैल्यू कितना रहेगा, 3 + 2, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम दिख रहा है, पेंसिल से एकदम शॉर्ट में लिखा है, कितना एप्लीकेशन आया, 12,000। चलो स्टार्ट करते थे, चलिए भाई सबसे पहला वर्किंग करते जाइए, चलिए अभी रुकने का जरूरत नहीं है, साथ साथ या आपके हिसाब से भी कर सकते। इशूड इज इक्वल टू 10,000 इक्विटी शेयर्स, अप्लाइड 12,000 शेयर्स बोला है, यानी 2,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन ₹3 मिल रहा है हमको, कितने लोगों से मिलेगा, 12,000 लोगों से, मतलब 12,000 शेयर्स पे, तो टोटल 36,000 एप्लीकेशन मनी मिलेगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव एआर रहमान, यहाँ पे भी लिख रहा नहीं हो एआर रहमान डॉक्टर पंचायत या इधर मत लिखो कुछ भी, एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो एप्लीकेशन मनी IRD डेबिट, डेट नहीं है तो पैसा IRD डेबिट, पैसा आएगा बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट, 36,000, जितना एप्लीकेशन मिलेगा पूरा लेंगे, काय का पैसा एप्लीकेशन का तो 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, लाइन ड्रॉ करो अच्छे से, हाँ भाई इधर पेंसिल से, लगेज करना क्या बाद में, नहीं कुछ लोग लास्ट में करते, वो भूल गए तो फिर नन्हे सिर्फ प्रेजेंटेशन में उतना माइनस मार्क।
चलो भाई एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब ये पैसा हमको ट्रांसफ़र करना है। पूरा ट्रांसफ़र होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 12,000 में से हमारे पास एक्सेप्ट एंड ट्रांसफ़र करेंगे कितना? सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स पे, क्योंकि हम देने वाले तो सिर्फ 10,000 ही है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक्सेस को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, क्लियरली बोला है। तो बचा वो एडजस्ट इन अलॉटमेंट, कितना? 2,000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपया 30,000 इंटू रुपया 6,000। तो ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा अलॉटमेंट में। कैपिटल टू अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो सेम आएगा 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। बीइंग अलॉट सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, तीसरा एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा पहला होगा ड्यू, फिर रिसीव, दूसरा ऑन अलॉटमेंट, रुपया 5 है अलॉटमेंट में, 5 रुपया है ड्यू इनटू कितने शेयर्स पे? 10, क्योंकि 10,000 ही शेयर्स हम देंगे। अभी भले 12 एप्लीकेशंस मिले, अपने पास देने के लिए 10,000 शेयर्स ही है। रुपया 50,000 ड्यू तो पूरा होगा, तो हम बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है डी डेबिट एक्शन के साथ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000। भाई पैसा आने वाला है 50,000, बट ये पूरा कैपिटल में नहीं डाल सकते। क्यों? ये 5 रुपया में से थोड़ा फेस वैल्यू का है और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम का है, तो एक्स्ट्रा का पैसा एक्स्ट्रा में रखेंगे, एक्स्ट्रा का पैसा कैपिटल में डालेंगे। भग प्रीमियम क्लियरली पता है 2, तो बचा 3, वो तो पहले ही अपन ने देख लिया। अब इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स, इधर भी 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो ये आएगा 30,000, ये जाएगा कैपिटल में, और ये 20,000, ये जाएगा टू शेयर प्रीमियम में। चलो सही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अगेन एडजस्टमेंट है उस पर भी, पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एडजस्ट किया ना। तो 3, इसमें ही अगला पार्ट रिसीव्ड, रिसीवेबल कितना है अलॉटमेंट मनी? 50,000, बट लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना? इधर 6,000, तो अब रिसीव होएगा 44,000, देयरफॉर नाउ विल रिसीव 44,000
सो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा बोलेंगे बैंक में पैसा आया डी डेबिट 44,000। टू काय का पैसा आया अलॉटमेंट का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 44,000। देखो भाई 50 डेबिट हुआ अलॉटमेंट और 44 और 6 50 क्रेडिट, बराबर सही है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू अलॉटेड 20 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना, ठीक है तो रिसीव में ही है ना एडजस्टमेंट, ड्यू तो पूरा ही करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल रुपीज 4 रुपया इंटू 10,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 40,000 ड्यू पूरा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ये पैसा आने वाला है, जो आएगा वो जाएगा कैपिटल में। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू दीपा दी वॉज ऑलरेडी 20 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो भाई तो अभी 10,000 में से कुछ पैसा मिला कुछ पैसा नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड कितना है 20 शेयर्स बराबर, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला ना 20 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो 20 शेयर्स पे कितना नहीं मिला 4 रुपया, तो 4 × 2 = 80 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिल गया 39,920 करेक्ट 39,920 80 रुपया माइनस बैंक अकाउंट डेबिट 39,920 कितना नहीं मिला 80 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 20 शेयर्स और 20 इक्विटी शेयर्स, उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, चले इक्विटी लिखो इधर नहीं लिखो ठीक चल जाएगा। डन। लास्ट एंट्री का आएगा फोरफीचर का, तो वो नहीं मिला तो इसका शेयर फोरफिट कर दिया, फोरफिट कर दिया मतलब शेयर्स छीन लिया, तो शेयर्स वापस आया डी डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स मतलब कैपिटल ना, शेयर आया तो कैपिटल डेबिट, शेयर्स गया तो कैपिटल क्रेडिट, सिंपल शेयर कैपिटल और क्या ही है। कितना शेयर्स फोरफिट किया 20 शेयर्स कितने का 10। अब समझ में आ रहा है कैपिटल, मैंने बोला ना कैपिटल 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 का कितने का 10 का, तो 20 × 10 20 × 10 = 200। अब जो हमने शेयर छीन लिया तो जो पैसा आने वाला था अब आएगा, तो 2 calls in arrears 80 बचा कितना 120, तो 6 रुपया मिला ना यार, अरे बराबर की नहीं, कितना नहीं मिला 4 रुपया नहीं मिला ना, 10 में से 4 माइनस करो 6 रुपया मिल गया, वो अपन अपने पास रख देंगे, 2 रुपया भी मिला था पर वो एक्स्ट्रा था तो प्रीमियम का प्रीमियम में ही पड़ा है, तो क्या टेंशन है।
तो हमको 6 रुपया हमारे हक का मिला था, वो हम हमारे पास रखेंगे, तो जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड, टोटल मारो खत्म करो। थर्टी सिक्स, 72, 50, 94, 40 और 40, 80 और लास्ट एंट्री 200। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी क्यों नहीं बता रहा, एग्जाम के प्रेशर में ना फालतू ट्रिक झमेले में पढ़ो ही मत और दिमाग खराब करने वाला काम है, सिंपल तरीके से कर दो खत्म, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलो रुकने का नहीं है, थकने का नहीं है, क्या है क्वेश्चन 4? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजीता लिमिटेड, ठीक है, शेयर्स, अरे वाह, चलो भाई क्वेश्चन नंबर फोर जर्नलिज्म बुक्स ऑफ अजीता लिमिटेड, अरे रे थोड़ा खाड़ा खोड़, हाँ वर्किंग नोट, चलो भाई वर्किंग नोट याद है ना क्या लिखते हैं वर्किंग नोट में, सबसे पहला इशूड और फिर अप्लाइड, इधर भी लिखने का, चलो देख लेते क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, इशूड कितना, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, चलो भाई दो लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया, 10 रुपए का प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 12 रुपया, चेक करते 3, 5, 8, 4, 12, क्या बात, इंक्लूडिंग 2 रुपया प्रीमियम, मतलब ये कैसा है अलॉटमेंट का, 3 और 2 है ना, मतलब ये है 3 + 2, 3 इज फेस वैल्यू एंड 2 इज प्रीमियम, करेक्ट, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम, ध्यान रखना। आगे, एप्लीकेशंस वर इशूड फॉर 2,40,000 इक्विटी शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन, कितने का ओवर सब्सक्रिप्शन, 40,000 का, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ऑब्वियसली प्रोराटा बोला मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, फिर प्रेरणा हुआ अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला, रिसीव मालूम में टेंशन नहीं है, बाकी सिंपल सिंपल है, करते जाते हैं, चलो 2,40,000 एप्लीकेशंस मिले हैं, तो इधर अप्लाइड आएगा 2,40,000 इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब 40,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन, वो टेंशन नहीं लिखने का क्या करें, चलो पहला ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया, 3 रुपीज़, 3 कितना, एप्लीकेशन अप्लाइड 2,40,000, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स विल गिव यू कितना रुपया, चलो भाई 4 शून्य तो वैसे डाल देंगे, 1, 2, 3, 4 फिर 3, 4 ज़ा 12 वन कैरी, 3, 2 ज़ा 6, 1, 7 7,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एआर रहमान डॉक्टर याद है ना, एआर रहमान एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो पैसा आएगा, हम बोलेंगे एप्लीकेशन का पैसा आया डी डेबिट, पैसा आएगा किधर, बैंक में, पहला डेट वेट कुछ नहीं दिया हुआ है, देखो भाई देख लो एक बार, डेट वेट कुछ नहीं, चलो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना था, ध्यान से 7,20,000, गड़बड़ नहीं करो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लाइन मारते जाओ, मान लो तुम ज्यादा ही मारते, ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचता है अपने पास, तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करो आगे। अरे हाँ, 40,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, चलो भाई अब क्या करेंगे, हम ये जो पैसा मिला है उसको ट्रांसफर करेंगे, बट क्या पूरा पैसे को ट्रांसफर करते कैपिटल में, बिल्कुल भी नहीं सर,
हमारे हक का पैसा सिर्फ 2 लाख शेयर्स पे है, तो इसमें से कुछ पैसा हम एक्सेप्ट करेंगे एंड ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा क्या कर देंगे, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। हम हमारे हक का कितना 2 लाख, क्यों हम हमारे पास कितने शेयर्स पे पैसा रखेंगे 2 लाख शेयर्स पे, इतना ही हम वापरेंगे। 40,000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स पे हमको पैसा मिला है वो हम आने वाले इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करेंगे, मतलब अलॉटमेंट में कितना रुपया, 3 रुपया इंटू रुपया तीन, चलो भाई 6 लाख जी, और ये 1,20,000 हो गया। तो ये जाएगा कैपिटल में और ये जाएगा अलॉटमेंट में। चलो भाई एंट्री, तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, एग्जाम में ऐसा हो जाएगा तो कुछ नहीं कट करके लिख देने का, तुम ऐसा ऊपर नीचे सरका नहीं सकते, तो इतना टेंशन नहीं है। सात लाख 20,000 ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, डेबिट भी हो गया बराबर। अब ये पैसा 7,20,000 में से थोड़ा ट्रांसफर होगा कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और जो बचा वो जाएगा अलॉटमेंट में, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख 1,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, समाप्त। लाइन मार रहे, लाइन मार जल्दी से, चक खत्म। नेक्स्ट नंबर 3, अब क्या, अब अलॉटमेंट का पैसा, अब ड्यू रिसीव अप अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। चलो रे भाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या लिखेंगे, नंबर 2 ऑन अलॉटमेंट। कितना रुपया मंगा रहे अलॉटमेंट का, देखो 5 रुपया मंगा रहे हम, 5 रुपया कितने लोगों से मंगाएंगे, सिर्फ 2 लाख लोगों से। 2,40,000 पे एप्लीकेशन मिले, सबका सब शेयर थोड़ी देने वाले, हमारे पास देने के लिए है सिर्फ 2 लाख शेयर ही, तो हम अलॉट भी उतना ही करेंगे। तो 2 लाख इक्विटी शेयर 5×10 10 लाख रुपया, हम क्या बोल रहे हैं 10 लाख रुपया आने वाला है, पूरा नहीं आएगा, उसमें से ये 1,20,000 कम आएगा, एडजस्ट करना है, बट मंगाएंगे तो पूरा, अनाउंसमेंट तो पूरे के लिए करेंगे, तो हम बोलेंगे 10 लाख रुपया अलॉटमेंट का आने वाला है, डी डेबिट अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया। अब ये जो अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है ये पूरा कैपिटल में जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, क्यों, ये अलॉटमेंट का जो पैसा है 5 रुपया उसमें से 3 रुपया फेस वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम है, अपने हक का 3 रुपया है, 2 रुपया एक्स्ट्रा है, तो जो अपने हक का वो ही कैपिटल में रखने का, सिंपल। चलो भाई तो फिर तोड़ना पड़ेगा, अब तोड़ेंगे किसमें से, 5 रुपये में से, क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम, तो फेस वैल्यू इज हाउ मच 3 रुपया एंड प्रीमियम इज हाउ मच 2 रुपया, क्रॉस चेक, कम ऑन फटक से 3 और 2 2 रुपया प्रीमियम, परफेक्ट। चलो भाई हाँ, इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स 6 लाख और ये 4 लाख हाँ खत्म। तो ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा प्रीमियम में। चलो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट, इधर इक्विटी वर्ड लिखने का जरूरत नहीं,
कितना कितना रुपया, 6,04,000। डायरेक्शन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। चलो भाई, क्लोज क्लोज क्लोज, खत्म पूरे, बहुत बढ़िया। चौथा, अब अलॉटमेंट का पैसा आने वाला था, अब ये पैसा आएगा तो हम बोलेंगे पैसा आया, पर कितना आएगा भाई, पूरा 10,00,000 आएगा क्या? नहीं सर, इस 10,00,000 में से लेस हो जाएगा ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है ये देखो, 1,20,000 दिख रहा ना, तो ये 1,20,000 इसमें से लेस करेंगे, बचेगा कितना, 8,80,000। ये अब रिसीव होगा, मतलब नाउ वी विल रिसीव 8,80,000। चलो भाई, तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय का पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,80,000। चेक करो भाई, 10,00,000 होना चाहिए, देखो देखो इधर देखो, अलॉटमेंट डेबिट हुआ 10,00,000, क्रेडिट हुआ, अरे रे रे, देखा चेक करने का फायदा, मैंने घाई घाई में गलती से लिख दिया 8,00,000 सिर्फ, या 8,80,000 रे, क्या कर रहा बुंग्या, ध्यान से। हाँ, अलॉटमेंट डेबिट हुआ 10,00,000, क्रेडिट हुआ 880 और 120 पहले, दिख रहा ना, तो 120 और 880 लाख, नो वरी, 10,00,000 क्रेडिट, 10,00,000 डेबिट, परफेक्ट। चलो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, चलो भाई, मैं ज्यादा ध्यान से कर रहा, मेरा मिस्टेक विस्टेक हो गया ना बस, तो फिर पब्लिक कमेंट करना चालू कर देंगी, ये देखो ये सीए है, टीचर है, इनसे ही नहीं हो रहा, हमसे क्या होएगा, मेरे को पता है तुम कैसे, पर इंसान इंसान है यार, इंसान से भी गलती हो सकती है, तो टीचर भी हो सकता, उसमें क्या है, पर नहीं बाबा, ऐसा हो गया तो खत्म, फिर तो अगले टाइम तो सीधा सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स स्टोरिया, ये देखो टीचर क्या कर रहे, तो हमसे क्या होएगा, मालूम है भाई, अपने पैसा मत करना, आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। हाँ, लास्ट देखते हैं सर, क्या अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब क्या सर, अभी हमने पब्लिक को शेयर्स दे दिया है, शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिया शेयर्स, अब हम बोलेंगे जिन जिनके पास हमारी कंपनी के शेयर्स है, आइए और आके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भरिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 3 हम लिखेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना रुपया, 4 रुपया, कितने लोग से, ऑब्वियसली 2,00,000 शेयर्स पे इज इक्वल टू रुपया 8,00,000। चलो भाई, 8,00,000 रुपया मंगा रहे, तो हम बोलेंगे 8,00,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आने वाला है डी डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये जो पैसा आएगा किधर जाएगा, कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ड्यू हो गया, अब पैसा मिलेगा फाइनल कॉल, तो हम बोलेंगे फाइनल कॉल का पैसा मिला, इधर आ जाएगा, चलो भाई ठीक है, आ जाएगा, इतना कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अगले 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 पेज पे कर दो, चलो क्या टेंशन है, 6th। हाँ, अननेसेसरी कंजूसी मत करो, बहुत जगह रहता, वैसे भी
आंसर शीट है, तो तुम मेरे को पता है कितना ही भर भर के लिखते, फुकट का मिला ना? नहीं नहीं नहीं, अपन तो बोलते पैसा भरा है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। चलो भाई गाइस, ड्यू हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अभी हमको फाइनल फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का पैसा आया, बट पूरा पैसा नहीं आ रहा, क्यों? क्वेश्चन ने बोला है शेयर होल्डर्स, ये देखो प्रेरणा जिसके पास 400 शेयर्स थे, शी फेल्ड टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो हमको 400 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, यानी इसमें से कुछ शेयर्स पे पैसा आया रिसीव्ड और कुछ पे नहीं आया नॉट रिसीव्ड। कितने पे नहीं आया? 400 शेयर्स पे, हाँ इक्विटी शेयर्स पे, इनटू कितना रुपया? 4 रुपया के हिसाब से 1600, 1600 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला? माइनस कर देते ना यार, क्या टेंशन है, 407,98,400 पर देखते, चलो 6, 4, 10, 1, 2, 8, 10, 1, 9, तो 7,98,400 टोटल, 6, 4, 10, 1, 9, 1, 10, 1, 8 आ गया 7,98,400, इतना पैसा आया और इतना नहीं आया, तो चलो फिर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, अरे कॉल्स इन अरियर्स ही लिखेंगे ना, ये देखो कितना मिला रे, 7,98,400 मिला, तो 7,98,400 रुपया आया, बचा कितना? नहीं आया, बंद इसी फ्रेंड डूब गया, अरे नहीं यार मौका देंगे सामने वाले को, बोलेंगे कि अभी नहीं भर पाया पैसा, थोड़ा और टाइम ले और भर दे, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये 1600 रुपया अभी नहीं आया पर फ्यूचर में आने वाला है डी डेबिट, तो उम्मीद है, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1600 रुपया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 4,80,000, 8,00,000 रुपया टोटल, 10, 8 परफेक्ट, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स, फुल स्टॉप, आगे लाइन। चलो भैया इधर तक खत्म कर देते, बट क्वेश्चन ने आगे फोरफीचर भी बोला है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और फोरफिट करेंगे। देखो सर, हम तो सामने वाले को मौका देंगे, बोलेंगे तू पैसा भर, अगर उसने पैसा भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो शेयर्स छीन लेंगे, और क्वेश्चन ने बोला है देखो इस हर शेयर्स वेयर फोरफिटेड, इसका मतलब टाइम देने के बाद भी प्रेरणा ने पैसा नहीं भरा तो हमने उसका शेयर्स छीन लिया, तो फोरफिट कर दिया, मतलब कि हमने शेयर्स छीन लिया, तो शेयर्स जो गया था वापस आया एक्शन के साथ, शेयर्स आया डी डेबिट, शेयर्स आया डी डेबिट, चलो फिर शेयर्स आया डी डेबिट, तो डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर दिया तो हम क्या बोलते हैं, शेयर गया सी क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे फोरफिट किया, कैंसिल किया, तो शेयर्स वापस ले लिया, हमारा कैपिटल कम हो गया, तो डेबिट, तो एक्शन से अकाउंटिंग में मैं बोलता हूँ शेयर्स आया डी डेबिट, एक्शन से अकाउंटिंग याद रखो, जिंदगी बना देगा तुम्हारी अकाउंट्स की। हाँ कितना शेयर्स छीना अपन ने बताइए भाई, कितना शेयर्स छीना हमने, कितने शेयर्स छीने? फॉरफीचर में हमने कितने शेयर्स छीने? 400 शेयर्स छीने। कितने के? ये शेयर्स कितने के थे? अरे 10 रुपए के शेयर्स थे, 10 का शेयर, 10 का शेयर, हम किसकी बात कर रहे हैं देखना उधर से, अभी हमको कैपिटल में एंट्री करना ना, कैपिटल माने मैंने सिखाया था ना, कैपिटल 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 का कितने का, तो कितने का शेयर गया था? 10 का। छीनेंगे भी कितने का? 10 का, तो 10 का शेयर वापस आएगा एकदम इजी, तो 400 × 10 का, तो ये आएगा 4,000 रुपया। चलो भाई 4,000 रुपये, अभी हमने सामने वाले से शेयर्स छीन लिए, तो जो पैसा हम उम्मीद करने थे आने वाला है, ये 1600 रुपया सामने वाले से आने वाला था ना, अब आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों? तुमने उसके शेयर्स छीन लिए, तो पैसा क्यों भरेगा सामने वाला? तो सामने वाला ये पैसा नहीं भरेगा, तो ये उम्मीद जो थी उसको कैंसिल कर देंगे, तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट दिया था कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 1,600, जो बच गया वो ट्रांसफर कर देंगे किधर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना रुपया? 2,400। खत्म। देखो ना भाई सामने वाले ने कितना रुपया भरा था प्रेरणा ने,
3 और 3 6 रुपया, फेस वैल्यू का 6 रुपया भरा था, तो 6 रुपया 400 रुपए के हिसाब से 6 4 20 400 आ गया, 4 फीचर खत्म। बींग शेयर्स फोरफिटेड। इसी के साथ हमारा हुआ ये वाला शेयर्स वाला प्रॉब्लम समाप्त खत्म। अरे गेटिंग इतना हो गया खत्म, को टेंशन नहीं। इसके बाद टोटल टाइम मिले जमे तो करो, नहीं करो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, इतना कोई लोड नहीं। हाँ चलो देख लेते भाई क्या टोटल आएगा। चलो भाई 720 + 720 14,40,000 14,40,000 और 10 24,40,000 चलो भाई कर लेते झंझट नहीं, 24,40,000 फिर 8,8,16,80,000 अब मेरे पास टाइम है तो मैं कर रहा हूँ टोटल, फिर 8,04,000 8,04,000 4, 2, 6, 11, 8, 9, 6, 11, 8, 19, 1, 3 और 1, 4 49,24,000 आ गया टोटल, 49,24,000 गलत मत करना भाई, नहीं आया तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इजी। टोटल टैली भी कर सकते हैं हम, 2,10,000 तो 20,00,000 के साथ 40,00,000 तो हो गया, 40,000 का एक्स्ट्रा था तो 1,20,000 तो 1,41,20,000 फिर प्रीमियम का 2 रुपया, यस हो रहा है टैली। चलो भाई हर गेटिंग क्वेश्चन 4। चलो भाई 3 मिनट 2 मिनट 3 4 बैठ जाओ क्लास में अंदर, 2 मिनट क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा आपने, इससे तो 3 मिनट का टाइम है कॉलम्स के लिए, बट 2 मिनट क्वेश्चन नंबर 4 जर्नल इज इन द बुक्स ऑफ महेश कंपनी लिमिटेड। प्रैक्टिस पेपर है, चीट बीट तो नहीं लाया सर ना फिर बाजू में। रेडी? चलिए भाई हो गया टाइमर अपना,
स्टार्ट करें क्वेश्चन 4। अच्छा सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, इशूड और अप्लाइड। कितना शेयर्स इशू किया है, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स और अप्लाई किया था 1,20,000। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, 1,20,000 अप्लाई किया है, मतलब 20,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। पहला ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया, 2 रुपया, 2,4,2,2,2,4,6,2,8,2,10, परफेक्ट, 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन कितने लोगों से, 1,20,000, मतलब 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 4,80,000, इतना रुपया हमको मिला एप्लीकेशन में। तो हम बोलेंगे पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 रुपया ×2 है ना, 2,40,000 पैसा आया काय का एप्लीकेशन का, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। चलो भाई अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव के बाद ट्रांसफर, पूरा ट्रांसफर करेंगे नहीं, पूरा ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ओवर सब्सक्रिप्शन है एग्जैक्टली, तो हम पूरा ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम 1,20,000 में से सिर्फ 1,00,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम कुछ पैसा एक्सेप्ट करेंगे और कुछ पैसा रिफंड कर देंगे और उनका फॉर्म्स रिजेक्ट कर देंगे, सही है। तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 1,00,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपया और 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हम कर देंगे रिफंड, बराबर। चलो भाई फिर जर्नल एंट्री नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। नेक्स्ट इसके बाद फिर कॉल मनी रिसीव्ड, ऑल दी कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो अभी अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव, सिंपल एकदम। चलो भाई खत्म करते फटाफट, कुछ खास नहीं अभी। तो इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा हम मंगाएंगे कितना, 4 रुपया, 2,4,2,2, चलो 4 रुपया मंगा रहे कितने शेयर्स पे, सिर्फ 1,00,000 शेयर्स पे। भले ही लोगों ने अप्लाई किए थे 1,20,000, पर हम अलॉट कर सकते हैं सिर्फ 1,00,000 शेयर्स, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 1,00,000 शेयर्स। तो कुल मिला के कितना रुपया, 4,00,000 रुपया हम बोलेंगे आने वाला है अलॉटमेंट का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का 4,00,000 रुपया एक्शन के साथ आने वाला है डी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट यही पैसा पूरा मिल जाएगा हमको, हमने पैसा मंगा है पैसा आएगा, तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, सो बैंक पैसा आया डी डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ एडजस्ट किया है, कुछ नहीं, सीधा रिफंड कर दिया था, तो आपको लेस भी नहीं करना है,
पूरा 4 लाख जो मंगा रहे वो मिल जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, नेक्स्ट। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 2 रुपए के हिसाब से, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपया 1 लाख शेयर्स पे, मतलब कितना रुपया 2 लाख रुपया। सो हम बोलेंगे अभी फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया। ये जो पैसा आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अभी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब नेक्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपया। सेम 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपया यानी 2 लाख रुपया। तो हम बोलेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया। ये आने वाला है डी डेबिट और ये जो पैसा आएगा ये कैपिटल में चला जाएगा। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट जो पैसा मंगाया वो आएगा वो मिलेगा, तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, काय का पैसा आया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। चलो भाई डन। टोटल 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के, तो 1 लाख × 10 = 10 लाख का डबल 20 लाख और एक्सेस था 20,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000, तो 20 लाख 40,000 टोटल आना चाहिए। 20 लाख कितना आउट कितना था 40 था क्या? रिफंड था 40, ठीक है सही है, गुड टू गो। तो 40,000 का 2 एंट्री तो टोटल आएगा 20,80,000, परफेक्ट। समझ में आ रहा क्या हुआ? हर एक इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री हुआ है, 10 × 1 ना, 10 लाख का 2-2 एंट्री यानी 20 लाख, और फिर एक्सेस कितना था 20,000 शेयर्स 2 रुपया ना, 40,000 रुपया उसका 2 एंट्री 80,000, तो 20,80,000 इज द टोटल। यस चलो ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर दो, फटाफट खत्म करो।
डन 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 लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फोर. क्वेश्चन फोर है इश्यू ऑफ शेयर्स जो मेरे को आता है. तो एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड. चलिए भाई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड. बैलेंस शीट नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बोला इतना करेंगे और बनाएंगे वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन फोर. हाँ चलो भाई टाइम 8:20, कोई टेंशन नहीं, मस्त चलिए करते. लेट्स सी क्या बोला है. सबसे पहला कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 शेयर्स. 100 रुपए का शेयर है, पेबल एज फॉलोज 25, 50, 25. तीन ही इंस्टॉलमेंट है, 25, 50, 75, 2500. 25, 50, 50, 100, कोई टेंशन ही नहीं. चलो बहुत बढ़िया, कितना एप्लीकेशन मिला, 30,000 ओवर सब्सक्रिप्शन. चलो भाई एकदम इजी. प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब एडजस्ट इन अलॉटमेंट. ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2500 शेयर. अरे बाप रे कितना चिंदी है रे बोंगिया, कर लेंगे. चलो भाई सबसे पहले इशूड नंबर ऑफ शेयर कितना है. वर्किंग में मेरे हिसाब से करो, आप करते हो तो आप करो, नहीं करते हो तो मत करो, जैसा आपका प्रैक्टिस. वर्किंग में तो करता हूँ. 25,000 इक्विटी शेयर्स एंड अप्लाई किया था 30,000 इक्विटी शेयर्स. इसका मतलब 5,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन था. चलो ठीक है भाई, पहला केस ऑन एप्लीकेशन. चलो भाई हम अनाउंस कर देंगे मार्केट में, हमारे 25,000 के शेयर मार्केट में आए हैं, जिनको चाहिए और आके अप्लाई करिए. कितने लोगों ने आके अप्लाई किया, हमको 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिला, मतलब हमको 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिला, मतलब 30,000 लोगों से 25 रुपया मिला. चलो भाई तो रुपीज 25 into 30,000 इक्विटी शेयर्स, 25 3 75 और 4 0 मतलब 7,50,000 रुपया हमको मिला. सिंपल यस इजी 4 0. चलो भाई तो 7.5 लाख रुपया मिला, तो हम क्या बोलेंगे, 7.5 लाख रुपया आया डी डेबिट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट. जितना पैसा आ रहा है आने दो, एप्लीकेशन में सोचने का नहीं, एप्लीकेशन मनी सबसे लेना पड़ेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000 रुपया काय का पैसा है एप्लीकेशन का. तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. मैं डिटेल नहीं लिखता रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट किया हुआ है. तो यहाँ पे ब्रीफ में जर्नल एंट्री लिखेंगे तो भी चलता है, टेंशन नहीं है. आगे अब ये 30,000 का एप्लीकेशन हमको मिला है, ये सबका शेयर हम अपने पास रखेंगे, सबका पैसा नहीं, हम सिर्फ कितने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते. तो वी कैन एक्सेप्ट ओनली 25,000 शेयर्स पे पैसा. तो 25,000 इक्विटी शेयर्स पे ही हम पैसा एक्सेप्ट कर सकते, कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से. तो जो एक्स्ट्रा बचता है कितना, 5,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा, वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इन अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं. मैंने डिटेल में मेरे लेक्चर में कवर किया है कॉन्सेप्ट, आप देख लेना उसमें. तो इनटू रुपीज 25, मतलब हम ठीक है भले ही सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हम सबको पूरे शेयर्स नहीं दे रहे, हम शेयर सिर्फ 25,000 दे सकते हैं क्योंकि हमने मार्केट में सिर्फ 25,000 शेयर्स लाए थे. तो 25 25 625 टेबल बाहर है मेरे को तो आ जाता है, या तो आप ऐसा कर सकते हो माइनस करो. तो 25 5 125 5 25 5 11 12 125 0 0 0 125 625 0 0 0 चेक करते, 5 5 10 3 2 5 6 1 7 125 12 50 और 12 62 परफेक्ट आ गया भाई. तो इतना हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये जाएगा कैपिटल में, इतना हम पैसा हमारे पास रखेंगे और ये एडजस्ट कर देंगे तो ये जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में.
तो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 625 था 1125 था क्या मोस्टली यस देखते जाओ भाई गलती मत करो तो आ जाते 750 यस बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट चलो भाई एक्सेस का पैसा नॉर्मली रिफंड करना चाहिए पर हमने रिफंड नहीं किया हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में मतलब हम शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहे हैं भाई तुम्हारे एप्लीकेशन हम पूरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे पार्ट में कर रहे मतलब हम तुमको कुछ शेयर्स तो दे ही रहे तो आगे जब आके पैसा भरोगे तब हम एडजस्ट कर देंगे अगेन डिटेल कॉन्सेप्ट सारा लेक्चर में कवर किया आप देख सकते हो बहुत मस्त एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया आगे अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे मतलब अभी हम क्या बोलेंगे भाई जिन जिन के नाम लिस्ट में आया है हम लिस्ट लगा देंगे और नाम डाल देंगे और जिनका नाम लिस्ट में आया आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए और शेयर्स लेके जाइए तो हम अलॉटमेंट का पैसा बुलाएंगे अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो मैं लिखूंगा नंबर टू ऑन अलॉटमेंट रुपया कितना मंगा रहे हम अलॉटमेंट का 50 रुपया मंगा रहे हैं हम कितने शेयर से 25,000 से क्योंकि हमारा शेयर इशू करने का कैपेसिटी सिर्फ 25 था तो हम मार्केट में सिर्फ 25 लाए थे तो हम लोगों को भी सिर्फ 25,000 शेयर ही अलॉट कर सकते दे सकते तो 25,000 इक्विटी शेयर्स अब ये आएगा 125 यस सो 125 शून्य और 30 सही है देखो ना 25,000 इंटू 100 किया तो आएगा 25 लाख 25 लाख का आधा करना है तो 12.5 लाख परफेक्ट चलो भाई तो इतना पैसा ड्यू है तो हम बोलेंगे इतना पैसा आने वाला है हम मंगाएंगे पूरा पर आएगा थोड़ा कम क्योंकि एडजस्ट भी किया है तो मंगाते हैं तो पूरा ही मंगाएंगे अनाउंस कर देंगे भाई और बहनों आई और आगे अलॉटमेंट का 12,50,000 भरिए तो हम बोलेंगे हमको अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है डी डेबिट काहे का पैसा अलॉटमेंट का तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,50,000 रुपया और ये जो पैसा आएगा कहाँ पे जाएगा कैपिटल में तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,50,000 रुपया बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू डू द ड्यू हमेशा पूरा अमाउंट ड्यू करने का अलॉटमेंट का अभी हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया अब लोग आएंगे और पैसा भरते जाएंगे पर कितना पैसा आएगा पूरा 12,50 नहीं आएगा क्यों इसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड है 125,000 सो मैं बोलूंगा लेस ऑलरेडी रिसीव्ड 125,000 सो बैलेंस 1,325 11,25,000 रुपया यस सो अब इतना सो नाउ वी विल रिसीव 11,25,000 रुपया तो हम बोलेंगे 11,25,000 रुपया आया तो बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट कंपलसरी लिखना है क्योंकि डीमैट अकाउंट बनाते तो बैंक में ही पैसा आएगा 11,25
काय का पैसा है अलॉटमेंट का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो भाई टैली होना चाहिए डेबिट क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट हुआ 12.5 लाख, इधर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 11.25, इधर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 125, तो इसको जोड़ो 12.50 हो गया डेबिट क्रेडिट टैली बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। टन है हाँ। नेक्स्ट अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सिर्फ उस पर कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा है तो ड्यू करेंगे। चलो हम अनाउंस कर देंगे जिन जिन लोगों को हमारे कंपनी के शेयर्स मिल गए आई और आके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भरिए। तो नेक्स्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया, 25 रुपया, कितने लोगों से, 25,000 लोगों से इंटू 25,000 इक्विटी शेयर, 25 स्क्वायर इज 625 000। देखो भाई डन, इसके पहले भी किया था अपन ने ये सेम, तो टेंशन नहीं है, लिख दिया खत्म डन। इतना रुपया आने वाले बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एक्शन के साथ आने वाला है डी डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो पैसा आएगा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे हम टू इक्विटी शेयर अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। डन 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 डन। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 इक्विटी शेयर्स, मतलब क्या अभी हमने कितना रुपया मंगा लिया, 625,000 मंगा लिया पूरे 25,000 लोगों से, पर इसमें से कुछ लोगों ने पैसा भरा और कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा। देखो भाई क्वेश्चन ने बोला है सबने पैसा भर दिया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2500 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं आया। सो 2500 इक्विटी शेयर्स पे 25 रुपया हमको नहीं आया, तो 25 25 625 000 62,500 रुपया नहीं आया, तो बचा हुआ कितना मिल गया हमको चेक करते हैं। 625 - 62,500 तो देखते 500 5 5 10 1 3 2 5 6 6 12 1 5, सो 5,62,500 मिला। 1001 3 2 5 6 6 12 1 4 6 यस। सो रिसीव्ड इज हाउ मच, मतलब इतना पैसा आया और इतना नहीं आया, तो ये डूब गया क्या? नहीं भाई, कॉल्स इन अरियर्स है, इतना आया नहीं है, आएगा। कुछ लोग पैसा नहीं भर पाए टाइम पे, उनको रिमाइंडर भेजेंगे और रिमाइंडर भेजेंगे, 1 2 3 बार रिमाइंडर भेजेंगे, फिर भी नहीं, अगर उन्होंने पैसा भरा तो फोरफिट करेंगे, तो इसको बैड डेट्स नहीं बोलेंगे, पैसा डूबा नहीं है, हम मंगाएंगे और रिमाइंडर देंगे, तो हम बोल रहे हैं ये 6500 जो आज नहीं आया फ्यूचर में आने वाला है, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स है, तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल का पैसा आने वाला है, कॉल्स इन अरियर्स रिसीव्ड माने पैसा आ गया यानी बैंक, सो बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट क्योंकि आने वाला है, सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share first and final call account।
560 to 500. चेक 5 5 4 1 3 2 5 6 6 12 1 5 12 6 बीन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2500 इक्विटी शेयर्स. चल भाई डन 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 डन. नेक्स्ट कितने हो गए? 6 ट्रांजैक्शन हो गए. लास्ट सातवां क्या है चेक करते हैं. और कुछ है? ओ ओ ओ ओ ओ डन 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 डन. और जरूरत ही नहीं है तो ये अपने को नहीं चाहिए, सिर्फ इधर ही है तो इधर हम टोटल कर देंगे. चलो भाई ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी दी टोटल. हाँ चलो भाई 750 कर देते हैं टोटल. चलो मस्त, टेंशन नहीं, सीधा मस्त अच्छे से टोटल करते हैं. टाइम है, टोटल करते जाओ, इग्नोर मत करो. लेट्स सी दिस. तो सब जीरो है और ये 5 5. फाइव फाइव टेन वन वन फाइव सिक्स फाइव इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन फाइव सिक्स फाइव इलेवन है ना, टेन हुआ सिक्स फाइव इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन वन फाइव सिक्स फाइव इलेवन फाइव सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 20 and 6, 26, 26 and 6, 32, 3, 3, 3 and 7, 10, 7, 17, 2, 19, 20, 26, 31, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 51,000, 51,25,000, 25,000 shares the into 100, 25 लाख डबल 50 लाख और 5,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन था जिसपे हमको 25 125 एंट्री हो गया मैच परफेक्ट. चलो भाई 51,25,000 बहुत बढ़िया आ गया भाई. चलो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया. 5 10 5 15 16 17 19 20 21 22 23 24 5 परफेक्ट 51,25,000 पे हो गया Tally! Next question 4, 5 minute columns. क्या करना है columns के लिए? Journal, 2 page और working. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकुर कंपनी लिमिटेड.
दो पेज कॉलम्स और एक पेज वर्किंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 iOS एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट। ओके चाहिए और एक सातवां एंट्री फॉर फीचर का भी है। ठीक है वर्किंग एप्लीकेशन कितना 30 रुपया 50,000 शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स बोला है यस। ₹15,00,000। चलो भाई 15,00,000 रुपये आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,00,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पूरा ही पैसा ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल में बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव पूरा ड्यू हो जाएगा पूरा रिसीव हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट फाइनल कॉल पे कुछ पैसा नहीं मिला तो उसमें कॉल सिनेरियो से और फोर फीचर बाकी सिंपल। चलो अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव 40 रुपया बीस लाख इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अकाउंट 20,00,000 being allotment money due we are at money receive to bank account debit equity
अलॉटमेंट मनी रिसीव. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपया. फाइनल कॉल मनी रिसीव. Not received. Forfeiture.
हो गया क्वेश्चन नंबर 4। डन गाइस, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से जमे होंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, एकदम फाड़ तरीके से एकदम अच्छे से ग्रिप बना लीजिए और आई होप कि आपका ये बोर्ड एग्जाम एकदम मस्त जाएगा। डन गाइस, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो में, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए इश्यू ऑफ स्ट्रेस को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, सी यू, बाय।